नमस्कार, क्या बोलती पब्लिक, मजे में ना? अभी ना दुनिया का एक ना उसूल है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पहला वैसा नहीं था, पहला रिश्तों की कदर थी, जबान का वैल्यू था, अभी वैसा नहीं। अनसुनी में आपका स्वागत है सप्ता जी। हाउ मैं वर्क करूं, पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूँ। फिर एक दिन एक लड़का आया, प्रतीक, देखने में अच्छा था। तो क्या प्यार हो गया उससे? क्योंकि यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। शादी के बाद मैंने उसे कहा कि हमारी शादी की बात अपनी माँ से बताएं, मुझे अपनी माँ से मिलवाए। तो उसने कहा कि मेरी माँ लव मैरिज के खिलाफ है, और ये बात उसने बाद में बताई। और उसके बाद हम प्रतीक के घर गए और उसकी मम्मी शॉक्ड हो गई कि हम लोग लव मैरिज करके आए। भाव, मेरी छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी माँ के सामने मुझे एक्सेप्ट करे। ये आपकी बहू बन चुकी है तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा, समझा? इसका बाप भी करेगा, कैसा नहीं करता है मैं देखता हूँ उसको, समझा क्या? आज इसके साथ ना मैं खड़ा है, इसका भाई, हाँ, और पूरा समाज भी इसके साथ खड़ा है। जो आप लोगों के नाटक देख रहे हैं ना, पूरा समाज खड़ा है, देखता है इसके बीच में कौन आते है। हाँ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था ऋषभ, वो और मैं स्कूल से अब तक साथ में ही पढ़ाई करते हैं। मैं 19 साल से टॉपर रहा हूँ, चाहे वो क्लास का टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो, मैंने हमेशा टॉप किया। पर उसने चीटिंग की, उसने रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए HOD जो मैम है हमारी, उनके साथ चक्कर चलाए, उनके साथ अफेयर चलाए। कितना बड़ा झूठा, तो दिल तो करता है तेरा मुंह गोबर में लपेट के तुझे खींच के मार। भाव ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे कहा था कि ये माधवी को पटाना चाहता है, कि वो माधवी भी इसमें इंटरेस्टेड है, और ये इसलिए पटाना चाहता है ताकि माधवी इसे सारे रैंक्स में नंबर 1 पहुंचा दे और इसका CGPA क्लियर हो जाए। भाव, ये बात सच है कि मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ, पर इतना तमाशा हो जाने के बाद मेरी जॉब भी चली गई। मतलब ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे वो सच्चा वाला प्यार करता हूँ। मुझे तुम पसंद हो, ऐसा नहीं है, बट पसंद ही हो सर। सच कहो तो भाव ना, मेरी जॉब गई नहीं है, मैं बस तुम्हारी असलियत चेक कर रही थी। औकात, ये है तुम्हारी औकात, सिर्फ 1 लाख पे बिकने वाला ऋषभ। अब सबको एक बात बताना चाहूंगा, बाकी चीजें सब कुछ बाद में पढ़ना, पहला पब्लिक खुद को पढ़ना। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा ही पति अपनी ही बेटी के साथ कर रहा है। फिर मेरे को एक बात बता, उसके बेटी के साथ चक्कर चलाने का लाइसेंस किसने दिया तेरे को? अरे हाँ सर, प्यार करना इतना गलत हो जाएगा, वो तो पता नहीं था सर। मैं ना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो तेरे को नेहल को छोड़ना पड़ेगा। बोल, छोड़ेगा? इट्स टू लेट सर। आओ, मेरा जो 23 साल का बेटा है, मैं उस पर बहुत जान छिड़कता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उसे, लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। आओ, वो बच्चा है ना, वो मेरे दोस्त प्रियेश का है। मुझे एक बात बताओ बबीता, पति तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी साड़ियां लाता है, पति तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी लिपस्टिकें लाता है, और किसी और इंसान को बिस्तर में सुला के वो लिपस्टिक का स्वाद उसको देती है? बस भाऊ, तेरे को तब शर्म नहीं आती क्या? बस भाऊ, 23 साल के बाद उसको ये पता चले कि मेरी बीवी मेरे बचपन के खास दोस्त के साथ एक बिस्तर में सोई है, वो बच्चा उसका है, तो क्या माफ करेगा तेरे को? अंशी, तू मेरी बात तो रोका दिया, रोका दिया उसका। बस बस बस, निकला बड़स, इधरा इधरा इधरा। मारने से तेरा पेट भरता है ना, तो मुझे और मार ले, लेकिन भगवान के लिए हम दोनों को माफ कर दे यार।
आपसे गलती हो गई। बंसी, गलती करने वाले से ज्यादा जो माफ करता है ना वो ही बड़ा होता है। हुँ? तो इसके लिए ना देख, वो खुद से मैं समझ रहा हूं कि वो ना ये दोनों भी एक चीज से जो गलती हो गई, तेरे से पहला मैं इनसे बात कर चुका हूं और उन्होंने यही चीजें बताई कि भाऊ हमसे ये गलती हुई और वो पहली गलती थी, उसके बाद जिंदगी में हमने बस पछतावा किया वो गलती के लिए। हम आज तक वो चीज के लिए ना शर्मिंदा है, तो माफ कर दे यार, फिर से अपना परिवार एक साथ आएगा, खुश रहो यार। पैसा ऐसी चीज है ना कि वो अच्छे अच्छे का दिमाग बदल देता है, क्योंकि जो चीजें गलत होती है ना वो फिर बिना पैसा देखने के बाद सही लगने लगती है। ना मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। क्या? हाँ भाव, आई एम गे। वो लड़की भी ये बात जानती है। जानती है? जिससे आपके माँ बाप शादी करवाने वाले वो? जी भाव। फिर भी वो कहते हैं कि मुझे आपसे ही शादी करनी है और आपके अलावा मैं किसी और को पसंद करने नहीं वाली हूँ। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, मुझे जो चाहिए, मैं एक गरीब फैमिली की हूँ, आगे जाके उसके साथ बाहर जाऊंगी तो एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाएगी मुझे। अच्छा, तो आप एक्चुअली उस लाइफस्टाइल के लिए और पैसों के लिए उसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं। बाकी मुझे संकेत अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। ओ यार संकेत, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। अरे ये नौटंकी कर रहा है, ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ये तुमसे बदला लेना चाहता है। चुप कर, ये ना सब कुछ झूठ बोल रही है। अच्छा मेरे को एक बात बता, तुझे कैसा पता चला? मुझे रोशन की वाइफ ने बताया। क्या बेटा? और मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था। हाँ, क्योंकि उनकी जॉब उनके ऊपर डिपेंड करती थी और कोई बोलने वाला ही नहीं था और मैं इस बात से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा और उस दिन से मैंने ठाना मैं संकेत का फायदा उठाऊंगा। तो तुझे क्या लगा ये सब करने से तुझे फायदा होगा, इसके वजह से तू ब्लैकमेल करने लगी? अब मौका का फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा भाव, और कोई गारंटी भी तो नहीं थी कि संकेत मुझसे शादी करता। She blackmailing you? तो इसके वजह से तुमने वो गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया, मेरा नहीं तो फिर किसी का भी नहीं। रिश्तों में ना वो देखो जो वो छुपाना चाहता है, वो मत देखो जो वो दिखाना चाहता है।